Genesis 1, verse 1. In the beginning, तो देखा आपने, आपका भी यही हाल हो सकता है अगर आपका पिंग ठीक ना हो तो गेम में। तो आज हम बात करने वाले हैं पबजी के पिंग के बारे में। आप में से सभी ने कभी ना कभी इस पिंग के इश्यू को फेस किया ही हो। तो आइए पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं कि ये होता क्यों है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके नेटवर्क की जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं। तो सवाल ये बनता है कि नेटवर्क की क्वालिटी सही है या नहीं, ये आप कैसे जानेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक इजी स्टेप बताता हूँ जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपके नेटवर्क की जो क्वालिटी है वो कैसी है। इसके लिए आपको ऐप स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है जीनेट ट्रैकर। तो सर्च बार में आपको लिखना है जीनेट ट्रैकर और एंटर कर देना है। उसके बाद जो सामने ही आपको पहली एप्लीकेशन नज़र आएगी, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना। सो बेसिकली ये एप्लीकेशन आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगी अबाउट योर नेटवर्क क्वालिटी, कि आपके एरिया में जो नेटवर्क है वो कैसे हैं और उस नेटवर्क की हेल्थ गुड है या बैड है। तो जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप खोलेंगे, सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो लोकेशन सर्विस को ऑन करने के लिए मिलेगा। उसको आपको ओके दबा के प्रेस कर देना है, देन परमिशन दे देनी है आपको। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके नेटवर्क की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपसे ज़्यादा टेक्निकल टर्म में तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टेक्निकल टर्म में बात की तो वो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बेसिक चीज़ों को देख लेंगे। आपको यहाँ पे तीन चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला है RSRP, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे दिख रहा होगा। RSRP बेसिकली है क्या? RSRP का मतलब है सिग्नल स्ट्रेंथ, जो आपके घर के आसपास की इंडोर और आउटडोर की सिग्नल स्ट्रेंथ को बताता है। तो RSRP के बगल में जस्ट आपको एक वैल्यू दिख रही होगी जो कि मेरे एरिया में -97 है। ये बेसिकली -40 से -90 के बीच में होना चाहिए। अगर ये वैल्यू -90 से ऊपर जाती है तो दैट मीन्स आपके एरिया में कहीं ना कहीं सिग्नल स्ट्रेंथ की जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वैल्यू से आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि आपके नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ है वो ठीक है या नहीं। दूसरी तरफ हम यहाँ पे देख लेते हैं राइट हैंड साइड पे RSSI। इसका बेसिकली मतलब है इंटरफेरेंस। आपके नेटवर्क में कितना इंटरफेरेंस है ये वैल्यू बताएगी आपको। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी जो वैल्यू आ रही है -63 आ रही है यहाँ पे, जो कि आपकी रहनी चाहिए -50 से -75 के बीच में। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे -50 से 75 के बीच में ये वैल्यू रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरफेरेंस एक्चुअली होता क्या है। इंटरफेरेंस इज टोटली डिपेंड ऑन डिस्टेंस। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, लाइक अगर आप जहाँ पे हैं और आपके पास जो भी नेटवर्क है, जो भी टावर है, अगर वहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है और बीच में कहीं ना कहीं लार्ज बिल्डिंग्स हैं और बीच में ट्रीज हैं या जितने भी बीच में जो बैरियर्स बनते हैं नेटवर्क के लिए, अगर वो ज़्यादा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आपके मोबाइल टू नेटवर्क में, मोबाइल टू टावर के बीच में जो इंटरफेरेंस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगा। तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे -50 से 75 के बीच में हो, तो दैट मीन्स यहाँ पे इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं है। और ये हाईली डिपेंड करता है कि अगर आपका इंटरफेरेंस ठीक है तो आपका पिंग ऑलमोस्ट ठीक ही रहेगा। थर्ड एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की हम अगर बात कर ले तो वो है SNR। तो बेसिकली ये है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो ये बेसिकली बताता है कि आपके पास जो सिग्नल आ रहा है, आपके मोबाइल में जो सिग्नल्स आ रहे हैं, उसमें डिस्टॉर्शन कितना ज़्यादा है, उसमें नॉइस कितना ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर नॉइस ज़्यादा होगा, डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, तो सिग्नल की जो वैल्यू है वो डाउन जाएगी। और जो आपके SNR की वैल्यू है वो होनी चाहिए बिटवीन 10 to 20। अगर -10 से आपके SNR की वैल्यू नीचे जाती है, दैट मीन्स कि आपके सिग्नल में बहुत ज़्यादा नॉइस है,
तो आपका इंटरनेट में कहीं ना कहीं इशू आएगा। इनफैक्ट आपके जो वॉइस कॉलिंग है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस का आपको इशू मिलेगा। तो ये है तीन बेसिक ऐसी चीज़ें जिससे आप ये पता लगा पाओगे कि आपके यहाँ जो नेटवर्क है वो ठीक है या नहीं है। एंड सपोज़ अगर आपके यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ठीक आती हैं एंड स्टिल आप पिंग के इशू को फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे ये ऑलमोस्ट आपका जो इशू है वो 100% ख़त्म हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इन सेटिंग्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स में चले जाना है एंड यहाँ पे आपको अपनी APN सेटिंग्स में आ जाना है। तो जैसे ही आप APN सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक APN सेटिंग मिल जाएगी। आपको सिंपली न्यू APN सेटिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको न्यू सेटिंग्स को सेव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेम देंगे। नेम पे आपको क्लिक करके यहाँ पे नेम लिखना है गेमिंग एक्स, जी इसमें कैपिटल रहेगा और बाकी सब स्मॉल में रहेंगे लेटर। उसके बाद स्पेस देना है, देन एक्स, यहाँ पे एक्स भी आपका कैपिटल में ही रहेगा, देन ओके प्रेस कर। उसके बाद आपको APN पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है LTE, देन ओके। उसके बाद आपको दो ऑप्शन ये ऐसे ही छोड़ देना है और नीचे यूजर नेम में आपको टाइप करना है @xpronet, देन ओके। उसके बाद सर्वर में आपको लिखना है www.google.com। उसके बाद MCC और MNC की वैल्यू को आप बिल्कुल ना छेड़ें, जो है वो उसको वैसे ही रहने दीजिए। नीचे ऑथेंटिकेशन टाइप की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको PAP और CHAP पैप एंड चैप को सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको APN प्रोटोकॉल में सेलेक्ट करना है IPv4 एंड IPv6। नीचे ही APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको सेम सेलेक्ट करना है IPv4 एंड IPv6। अब यहाँ बैरियर पे आपको क्लिक करना है और जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं सारे ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं दिखता है तो आपको सिंपली सिर्फ LTE को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस सेटिंग्स को आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक नई APN की सेटिंग मिल जाएगी, आपको सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है। और सारी सेटिंग्स होने के बाद अपने फ़ोन को एक बार रिबूट ज़रूर कर लें। और गाइज यहाँ पे आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ APN से रिलेटेड, जब भी आप अपना APN सेटिंग्स को चेंज करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि जस्ट आपने APN सेटिंग चेंज की और वो वर्क करने लगेगी। APN सेटिंग्स जब भी हम चेंज करते हैं उसको 20-40 आवर्स लगते हैं न्यू APN सेटिंग्स को नेटवर्क के साथ मर्ज होने में। तो जब भी आप APN सेटिंग्स को चेंज करें एटलीस्ट उसको 20 से 48 घंटे का टाइम दें उसको नेटवर्क के साथ अच्छे से मर्ज होने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपका पिंग का इशू ज़रूर ठीक हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अपने मोबाइल में ट्रैश फाइल्स बिल्कुल ना रखें। अपने मोबाइल को जितना हो सके क्लीन रखें, टेम्प्रेरी फाइल्स उसमें ना रहें, क्योंकि एक टेम्प्रेरी फाइल्स भी एक रीज़न है हाई पिंग का। तो जितना क्लीन आपका फ़ोन होगा, जितना स्मूथ आपका फ़ोन होगा, उतना ही बेटर गेम उसमें रन कर सकेगा विदाउट एनी लैग। एंड अगर आप जियो यूज़र नहीं हैं, आप दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर को यूज़ करते हैं लाइक Idea, वोडाफोन, एयरटेल, तो उनकी भी मैंने सारी सेटिंग्स जो हैं वो बता रखी हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वर्ड फाइल का लिंक दे रखा है, उस वर्ड फाइल को आप डाउनलोड करिए, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सारे टेलीकॉम की सेटिंग्स वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप उसको चेक करके उसके अकॉर्डिंगली अपनी APN की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका दिन के टाइम जो है पिंग बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और रात के टाइम अगर देखा जाए रात को 11 बजे या 12 बजे के बाद अगर हम बात कर लें तो उनका पिंग उस टाइम बिल्कुल ठीक आता है। तो गाइज ये टोटली डिपेंड करता है नेटवर्क ट्रैफिक के ऊपर कि आपके एरिया में जो नेटवर्क है, जो आपके एरिया में जो टावर है वहाँ पे कितने यूज़र्स एट टाइम उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपका पिंग का इशू आपको फेस करना ही पड़ेगा। और अगर रात की बात करें तो रात में मोस्टली यूज़र्स यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम बात कर लें 11 बजे 12 बजे के बाद तो ज़्यादा यूज़र्स यूज़ नहीं करते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका पिंग ठीक हो गया है। तो उसका रीज़न यही है कि आपका ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया है नेटवर्क के ऊपर, जिस वजह से आपको पिंग का इशू आ रहा है। एंड अगर स्टिल आपको सारी सेटिंग्स करने के बावजूद एंड सिग्नल स्ट्रेंथ ठीक होने के बावजूद आप सेम इशू को फेस करते हैं,
तो दैट मीन्स अब टाइम आ गया है कि आप अपने टेलीकॉम को बदलें। आप अगर जियो यूज़ कर रहे हैं तो अपने नेटवर्क प्रोवाइडर को चेंज करें। एंड गाइस, एंड में मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन आप लोगों के लिए है कि अगर आप गेम्स खेलते हैं मोबाइल के अंदर, तो प्रिफर करें कि आप वाईफाई के अंदर ही गेम्स को खेलें, मोबाइल नेटवर्क के थ्रू ना ही खेलें। एज कम्पेयर टू मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई आपको बेटर स्टेबिलिटी देगा और बेटर नेट प्रोवाइड कराएगा। आई होप गाइज अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको सबसे पहले जानना है कि आपका नेटवर्क ठीक है या नहीं है। एंड अगर आपका नेटवर्क ही ख़राब होगा तो आपका पिंग कभी ठीक नहीं हो सकता। तो अगर आपका पिंग ठीक करना है तो आपको सबसे पहले अपने नेटवर्क को चेक करना पड़ेगा। इन दी एंड गाइज, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।